हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक्सेल में कभी कभी आपके साथ भी ऐसी दिक्कत हो सकती है जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर टोटल करना है, तो टोटल करने में क्या दिक्कत है? टोटल करने के लिए यहाँ से सबका फॉर्मूला लगाइए, यहाँ से सबको टोटल करिए, सेलेक्ट करिए और एंटर करिए, ये टोटल हो जाएगा। और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सबका टोटल आ भी जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का साइन बनते ही हम यहाँ करेंगे डबल क्लिक, ये आ गया। अब यहाँ पर कहीं भी क्लिक करेंगे इस डेटा के अंदर और हमको क्या प्रेस करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी हो तो आप क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं, इसको कलर चूज करते हैं, फिर आप इसके लिए पूरा बॉर्डर बनाते हैं, तमाम ये दिक्कतें आपको आती हैं। लेकिन क्विक फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, तो आप कहीं पर भी डेटा में क्लिक कर लीजिए और प्रेस कीजिए अल्ट ओ ए। जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आप इसमें से जो भी आपको चाहिए वो स्टाइल चूज कर लीजिए और चूज करके ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पूरा टेबल ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा ऑटो फॉर्मेट हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो वापस से अल्ट ओ ए प्रेस कीजिए और फिर यहां से चूज कर लीजिए, तो ये चेंज भी हो जाएगा, इस फॉर्मेटिंग स्टाइल बदल भी जाएगी। तो देखिए ये फॉर्मेट आ गया। तो इस तरीके से करके आप चेंज भी कर सकते हैं और ऑटो फॉर्मेट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।